न्यू टॉपिक फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हम कोशिश करेंगे कि 15 नवंबर से पहले पहले कंप्लीट एनाफिजियो करवा दें, ठीक है ना? क्लियर? सो जनरली बात करते हैं, सबसे पहले अपन आज आप बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जनरलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं आपसे अभी अपन, ठीक है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा, मेल देखा आपने, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो गैमेट होता है वो कौन सा होता है? आपका स्पर्म। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गैमेट जो होता है वो होता है आपका, वो कौन सा होता है? आपका ओवम, ठीक है? जब ये दोनों मिलते हैं तो फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी होती है? जायगोट, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होती है, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होती है ना, ये बात आपको पता है। हमें यही सब चीज़ें वापस से पढ़नी है एक बार, ठीक है? देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू फॉर्मेशन मतलब एक न्यू इंडिविजुअल का, ठीक है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, क्लियर? मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मैंने बता दिया, जो मेन प्रोसीजर था वो मैंने आपको बताया था, इट इज जनरेशन, इट इज द पास प्रोसेस बाय विच जेनेटिक मटेरियल पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ठीक है? अब अपन बात करते हैं देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया अभी कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम जब आपस में मिलते हैं तो एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट सेल का, और वो वापस जाके क्या करता है? एम्ब्रियो का, वापस जाके एम्ब्रियो में वो डेवलप हो जाता है। क्लियर? 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 एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? मैंने बता दिया आपको ये चीज। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में। तो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं ना, वो होते हैं आपके, मैं बता देता हूँ आपको, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है? मॉन्स प्यूबिस एंड क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है? ये होते हैं आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स। देखो चलो सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में, कि जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो आपका क्या होता है? इट इज़ जस्ट अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू की एक का एक उभरा हुआ पोर्शन होता है एक्सटर्नल फीमेल, मतलब मॉन्स प्यूबिस एक उभरा हुआ पोर्शन है, ठीक है? नाउ अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? लेबिया माइनोरा के बारे में। देखो लेबिया माइनोरा का मतलब होता है, लेबिया माइनोरा का मतलब होता है, इट इज़ अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन। ये क्या है? एक फोल्ड है स्किन का, जो कि किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? मतलब होता तो थिन फोल्ड है स्किन का, स्किन का ही एक फोल्ड है, और जब ये नीचे से अगर अपन देखें उस स्किन के फोल्ड के नीचे वाले पोर्शन में, लोअर पोर्शन में, तो ये क्या करता है? फ्यूज़ होता है टू फॉर्म अ फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको अपन क्या नाम देते हैं आपको पता है? फोरशेट। जिसको अपन क्या बोलते हैं? फोरशेट, ठीक है? क्लियर? लेबिया माइनोरा को अपन, देखो जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको लास्ट सेकंड स्लाइड में एक चीज बताई होगी, एनालॉगस ऑर्गन्स इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेबिया माइनोरा इज होमोलोगस टू पेनिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? देखो दिस इज मॉन्स प्यूबिस, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग एंड दिस इज वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज बार्थोलिन्स ओपनिंग,
ऊपर वाली लेबिया मेजोरा, नीचे वाली लेबिया माइनोरा, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड फोरशेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज कॉल्ड फोरशेट। स्किन ओपनिंग का मतलब है एक आगे ग्लैंड होती है, स्किन ग्लैंड बताएंगे। स्किन ग्लैंड सबसे मतलब बड़ी लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, जैसे मेल के अंदर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वैसे यहाँ पर स्किन ग्लैंड होती है। कौन सी? स्किन ग्लैंड। आगे पता चलेगा आपको इस चीज़ के बारे में। लेबिया माइनोरा मैंने बताया आपको, दिट इज़ अ टू थिन फोल्ड ऑफ स्किन ऑन जस्ट विद इन द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर ही होती है। इट एनक्लोज द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस को कवर करती है। क्लाइटोरिस बताएंगे आगे क्या है। लोअर पोर्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा फ्यूज अक्रॉस द मिड लाइन टू फॉर्म फोल्ड स्किन विच इज नोन एज फोरशेट एंड इट इज एनालॉगस टू पेनिस इन द मेल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेबिया मेजोरा के बारे में। तो लेबिया मेजोरा की अगर अपन बात करें, लेबिया मेजोरा की अगर अपन बात करते हैं तो लेबिया मेजोरा जो होता है ये होता तो एक तरीके से, अपन इधर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वल्वा। वल्वा एक फीमेल जेनिटल ऑर्गन के लिए होने वाली, यूज होने वाली एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, जिस टर्मिनोलॉजी के अंदर हम सभी चीज़ों को मानते हैं, चाहे वो मॉन्स पीपस हो गया, चाहे वो लेबिया माइनोरा हो गया, चाहे वो लेबिया मेजोरा हो गया, उन सभी टर्मिनोलॉजीज को अपन वल्वा के अंदर बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। सो लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम इन द मेल, मेल में स्क्रोटम होता है, यहाँ पर होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा। क्लियर। सो वल्वा इज ईच साइड बाय द एलिवेशन ऑफ स्किन एंड सब क्यूटेनियस टिश्यू नोन एज लेबिया मेजोरा। अब बात करते हैं क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस क्या होता है? इट इज स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी, एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होती है जो कि आपकी क्या होती है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज से कवर होती है एंड इक्वल्स टू एंड होमोलोगस टू द ग्लांस पेनिस। ठीक है, हाँ, ग्लांस पेनिस से के तरह मतलब होमोलोगस होती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसके बारे में, वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल क्या है? अब अपन एक बार बात करते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। तो देखो वेस्टिब्यूल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल, है ना, हाँ, जो कि विच इज एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर बाय द फोरशेट एंड लेटरली बाय द लेबिया माइनोरा। ठीक है, इसके अंदर फोर मेजर ओपनिंग होती हैं, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड, यूरेथ्रल ओपनिंग और स्किन ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर। यूरेथ्रल ओपनिंग आपकी वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट सामने होती है, इन द मिड लाइन में एक ट्रायंगुलर ओपनिंग है, तो ट्रायंगुलर ओपनिंग के मिड लाइन में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें वेजाइनल ओपनिंग के बारे में, तो वेजाइनल ओपनिंग कहाँ होती है, आपकी वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। वेजाइनल ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट साइट होती है, जिस साइट के अंदर आपको मतलब वेजाइनल ओपनिंग वेजाइना की ही ओपनिंग है एक तरीके से। और वेजाइना क्या है? जिस साइट के अंदर आपका स्पर्म पेनिस के थ्रू पास होता है। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग को एक तरीके से एक म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा होता है, जिसको अपन हाइमन बोलते हैं। और हाइमन आपकी ज़रूरी नहीं है कि इंटरकोर्स के दौरान ही रप्चर हो, लेकिन हाँ, इंटरकोर्स अगर हुआ है तो मतलब हाइमन का रप्चर होना तय है, रप्चर होगी। बट वर्जिनिटी को अपन हाइमन के रप्चर होने से डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि हाइमन रप्चर है देन शी विल लूज वर्जिनिटी, फीमेल विल लूज वर्जिनिटी। फीमेल वर्जिनिटी लूज हाइमन के टूटने से नहीं करती, हाइमन आपका हॉर्स राइडिंग, जंप, लॉन्ग जंप, इन सब के थ्रू भी आपकी हाइमन रप्चर हो सकती है। क्लियर,
नेक्स्ट बात करते हैं बार्थोलिन डक्ट के बारे में। बार्थोलिन ग्लैंड की दो डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपना एक सिक्रेशन देती हैं, येलोइश वाइट सिक्रेशन, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान वो सिक्रेशन क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन ग्लैंड की। स्किन ग्लैंड मैंने आपको बताया लार्जेस्ट पैरायूथ्रल ग्लैंड होती है और आपकी क्या करती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह होती है मेल में, है ना। दो स्किन डक्ट होती हैं जो कि वेस्टिब्यूल की तरफ ही प्रेजेंट होती हैं। तो चार ओपनिंग हो गई ना अपनी, कितनी ओपनिंग होंगी, चार। पहली ओपनिंग कौन सी थी, यूरेथ्रल ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग कौन सी थी, वेजाइनल ओपनिंग। तीसरी ओपनिंग कौन सी थी, बार्थोलिन ग्लैंड। चौथी ओपनिंग कौन सी थी, स्किन ग्लैंड। और ये सब किसके अंदर आ रही थी, वेस्टिब्यूल के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, वेजाइना के बारे में। अब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। और सबसे पहला ऑर्गन है आपका वेजाइना। देखो अपन वेजाइना के बारे में बात करें तो वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनसाइड एजुकेशन वाले अचानक से इतना सिंसियरली कैसे काम करने लगे। यार हम काम तो सिंसियरली करते हैं, बट कभी कभार वो टेक्निकल इश्यू हो जाता है, उस वजह से अपन लेक्चर नहीं डाल पाते। तो आज सुबह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर आ गया था, आई होप आप सबने देख लिया हो एक बार। एंड अभी देखो हमारी चल रही है वन शॉट सीरीज, है ना। हाँ हम हर चीज को इतना डीपली नहीं पढ़ा रहे, बट अपन वन शॉट पढ़ा। अभी अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, वजाइना के बारे में। वजाइना इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वजाइना क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि आपकी, जिसको अपन, जिसके अगर अपन फंक्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं वजाइना के फंक्शंस के बारे में। देखो बेबी बर्थ होता है वजाइना के थ्रू ही होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पर वो वजाइना के थ्रू ही मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, एंड इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस स्पर्म वजाइना के अंदर ही छोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वजाइना के फंक्शंस हो गए। क्लियर। वजाइना भी तीन लेयर से मिलकर बनता है, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। ठीक, सब चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सब चीज़ों को तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। वजाइना इज अ फाइबरस मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, हाँ लोकेशन क्या होती है इसकी, लोकेशन मैंने आपको बताया, वजाइना यूट्रस से लेकर आपके वल्वा तक होती है। क्लियर, एंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी बैडर एंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के सामने और यूरिनरी बैडर के जस्ट बिहाइंड। हाँ यही वही साइट है जहाँ पे आपका स्पर्म, सॉरी पेनिस स्पर्म को रिलीज करता है। क्लियर, एंड इट साइज की अगर हम बात करें तो 8 to 10 centimeter इट साइज होता है इसका। क्लियर, स्ट्रक्चर के मैंने आपको बताया तीन लेयर्स होती हैं, इनर आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। आउटर लेयर आपकी फाइबरस टिश्यू से मिलकर बनी होती है और एडिपोज टिश्यू से कवर्ड होती है। मिडल लेयर की अगर हम बात करते हैं तो मिडल लेयर आपकी स्मूथ होती है विद आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स। इनको याद कैसे करें कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर, तो ऐसे याद करोगे इनको, लॉन्गिट्यूडनल में पहले ओ आ रहा है दैट मीन्स आउटर, सर्कुलर के अंदर इन आई आ रहा है दैट मीन्स इनर। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल्स। मस्कुलर लेयर इम्पॉर्टेंट है, ये जो मिडल लेयर है ये इम्पॉर्टेंट है फीटस की डिलीवरी और प्लेसेंटा के टाइम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, अगर अपन बात करें इनर लेयर की तो इनर लेयर भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इनर लेयर के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड इट लुब्रिकेट्स द वजाइना। और इनर लेयर जो होती है वो ग्लाइकोजन की रिच होती है। किसकी रिच होती है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन को डॉटर बैसिलाई बैक्टीरिया,
डॉटर बैसिलस बैक्टीरिया ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या इसमें कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये वजाइना का प्रोटेक्शन इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर हो गया? क्लियर। नेक्स्ट फंक्शंस मैंने आपको बताई दिए। इट रिसीव द मेल पेनिस एंड सीमन ड्यूरिंग द इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स। इट इज़ अ पाथवे ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी एंड इट प्रोवाइड्स द रूट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फ्लो फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है ना? अब हम बात करें किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, यूट्रस के बारे में। देखो यूट्रस वो ऑर्गन है जिसके अंदर अपन जिसके अंदर बेबी स्टोर होता है, जिसके अंदर बेबी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? यूट्रस के अगर अपन पार्ट्स की बात करें तो यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फंडस, सेकेंड इज यूट्रस बॉडी एंड थर्ड इज सर्विक्स। ये तीन पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। हाँ, यूट्रस की तीन लेयर्स होती हैं, पैरामेट्रियम, मेयोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पर। एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही बेबी अटैच होता है। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, यूट्रस को अपन हिस्ट्रा वॉम्ब बोलते हैं एंड इट इज़ यूज्ड एज अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन द फीमेल। और अगर अपन बात करें कि कहाँ प्रेजेंट होती है तो ये वही यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और रेक्टम के फ्रंट में। क्लियर? साइज मैंने आपको बता दिया, वेट 60 ग्राम और 7.5 x 5 x 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज फंडस, दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस एंड दिस इज सर्विक्स। ये तीन मेन पार्ट होते हैं इसके। देखो ये होती है फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के अंदर एंटर करती है तो वो सबसे पहले फंडस से, फंडस के जस्ट नीचे से एंटर करती है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सर्विक्स में ओपन होती है देन यूट्रस में जाती है। ठीक है, सर्विक्स की अगर अपन बात करूँ तो सर्विक्स आपका यूट्रस और वजाइना इन दोनों का कनेक्शन होता है एक तरीके से। ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बॉडी ऑफ यूट्रस आपका क्या है, फंडस और वजाइना का कनेक्शन। ठीक है ना? हाँ, दिस होल्ड द ओवी। ठीक है ना? हाँ, ये आपका यहाँ से ओवम सिक्रेट होता है, ये रही आपकी ओवरी, फिम्बरी बोलते हैं इसको अपन, ये आपकी ओवरी है। ओवरी से एग निकलते हैं और स्पर्म एंटर करता है यहाँ पे, और स्पर्म देन जायगोट में कन्वर्ट होके, मतलब स्पर्म और ओवम का मिक्स का होके फर्टिलाइजेशन होके, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट कहाँ आता है, यूट्रस के बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं यूट्रस के टाइप्स के बारे में। देखो फंडस इज द अपर वाइड एंड डोम शेप्ड पोर्शन। ठीक है ना? एंड इज द कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम एंटर इनटू द यूट्रस जस्ट बिलो द फंडस। फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के अंदर एंटर करती है, फंडस के जस्ट नीचे से। बॉडी ऑफ यूट्रस की अगर अपन बात करें तो बॉडी ऑफ यूट्रस भी मेन पार्ट होता है, मिडिल पोर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अगर सर्विक्स के बारे में, सर्विक्स आपका लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट है यूट्रस का जो कि किसको कनेक्ट करता है, वजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है, जंक्शन है एक तरीके से। ठीक है, मैंने आपको बताया तीन लेयर से मिलकर बना होता है, पैरामेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर का सबसे मेन रोल होता है, मायोमेट्रियम लेयर जो होती है मस्कुलर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है उसी के अंदर बेबी का अटैचमेंट होता है। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे, वो फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? उसकी अलग लेक्चर डालेगा। अभी अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर डाला था, जैसे ही अभी अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर डाल रहे हैं, देन एक लेक्चर और आएगा रिप्रोडक्शन सिस्टम का, कंप्लीट फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम मैंने आपको बताया,
आउटर लेयर यूटरस की होती है, सबसे आउटर लेयर पेरिमेट्रियम होती है, फिर मायोमेट्रियम, फिर सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, दिस लेयर एक्सटेंड ओवर द फंडस एंड बॉडी। द दिस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म द वेसिको यूट्राइन पाउच। ठीक है ना, पोस्टीरियर इट कवर द फंडस बॉडी एंड सर्विक्स। इट फोल्ड द पेरिटोनियम फॉर्म ए पाउच ऑफ डगलस। एक मतलब पेरिटोनियम का एक फोल्ड फॉर्म होता है जिसकी वजह से एक पाउच फॉर्म हो जाता है, उसको अपन पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द रेक्टम एंड यूट्रस। तो ठीक है, आउटर लेयर है पेरिटोनियम से मिलकर बनी होती है, और इट पेरिटोनियम के फोल्ड से एक पाउच फॉर्म होता है, पाउच ऑफ डगलस, एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द यूट्रस एंड रेक्टम। क्लियर? अभी अपन देखते हैं मायोमेट्रियम के बारे में। मायोमेट्रियम जो लेयर होती है ना, ये आपकी मायोमेट्रियम लेयर मिडल लेयर होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पेरिमेट्रियम, फिर आपकी मायोमेट्रियम, और फिर उसके लास्ट में आती है आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम थिकेस्ट लेयर होती है स्मूथ सेल्स की, और नॉन प्रेगनेंट वुमेन्स के अंदर ये और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। ठीक है, अभी अपन बात करें कि भाई मायोमेट्रियम का क्या थिकनेस होती है। तो इसकी थिकनेस इट्स अबाउट 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर? फंक्शंस क्या होते हैं मायोमेट्रियम के? टू प्रोड्यूस द लेबर कॉन्ट्रैक्शन दैट हेल्प्स टू एक्सपेल आउट ऑफ फीटस। जब आपका बेबी फीटस की डिलीवरी होनी होती है तो लेबर पेन होता है, तो लेबर पेन में लेबर कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस कौन करवाता है? आपका मायोमेट्रियम, क्योंकि मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो फीटस आपका इजीली बाहर आ पाएगा। दूसरी चीज, प्रेगनेंसी के टाइम पर स्ट्रेच होने के लिए ये मसल्स कैपेबल होती हैं कम्प्लीटली, क्योंकि एक बेबी को निकालना फीटस को निकलना है बाहर, तो फीटस के लिए स्ट्रेच होने के लिए कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी? मायोमेट्रियम लेयर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, दिस इज दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वुमेन सेक्शुअल स्टिमुलेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेबी। वही मैंने आपको बताया, स्ट्रेचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये मसल्स सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है, मायोमेट्रियम मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंडोमेट्रियम मसल्स के बारे में। एंडोमेट्रियम मसल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि एंडोमेट्रियम मसल्स जो होती हैं सबसे इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, तो ये लेयर जो होती है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। मेंस्ट्रुअल फेज में सबसे ज़्यादा चेंजेस इसी लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर दो लेयर होती हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलस। अब इनके बारे में देखते हैं। स्ट्रेटम फंक्शनलिस का काम क्या होता है? ये आपकी सबसे थिकर लेयर होती है। ठीक है, इसको अपन फंक्शनल लेयर बोलते हैं। इट इज़ अंडरगोज मेंस्ट्रुअल चेंज शेडेड ड्यूर ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर भी दो लेयर होगी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलस। अब स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो मैंने आपको बताया फंक्शनल लेयर है, और इसी के अंदर मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्लियर? स्ट्रेटम बेसिलस ये डीपर लेयर होती है विच इज़ अटैच्ड टू मायोमेट्रियम। और दूसरी बात अगर बात करें, फंक्शनलिस आफ्टर ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ईच मंथ इज रेस्पॉन्सिबल टू एस्ट्रोजन सिक्रेशन। ठीक है, द एंडोमेट्रियम बिल्डअप टू प्रिपरेशन फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। और एंडोमेट्रियम के अंदर ही आपका क्या होता है, बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, तो उसके लिए भी उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करें यूट्रस के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो। भाई यूट्रस आपका सोर्स है मेंस्ट्रुअल फ्लो का। स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन, यहीं से ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म का वजाइना के थ्रू। साइड फ्लो इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीटस की यूट्रस के अंदर ही होती है। फैलेसिक 8 cell, 4 cell, 8 cell, 16 cell stage, 32 cell stage। लेबर पेन, यूट्रस आपका लेबर और फीटस और प्लेसेंटा की डिलीवरी में हेल्प करता है। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट फेलोपियन ट्यूब। अभी अपन बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में।
जब मैंने आपको यूट्रस पढ़ा रहा था, यूट्रस की एक बॉडी के बारे में बात कर रहा था, फंडस एक पार्ट था यूट्रस के, तीन पार्ट थे, फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स। तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी फंडस के बारे में। तो फंडस में मैंने आपको ऐसे बताया था, व्हेन फेलोपियन ट्यूब एंटर्स इन टू द यूट्रस इट इज़ जस्ट बिलो द फंडस। फंडस के जस्ट नीचे से होकर क्या होती है आपकी, वो फेलोपियन ट्यूब क्रॉस होती है, यूट्रस के अंदर एंटर करती है। फेलोपियन ट्यूब का डायमीटर इट्स अबाउट 0.5 to 1.2 सेंटीमीटर। इसको अपन यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट जहाँ पे आपका ओवम रहता है, और ये फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की जो मेन साइट होती है वो फेलोपियन ट्यूब ही होती है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी तीन पार्ट्स आते हैं आपके, फिम्ब्री, स्टेमस और एम्प्यूला। तो वो आगे देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंटिलम। ठीक है, इन्फेंटिलम आपकी फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के सबसे पास प्रेजेंट होती है। इट फियर्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड फिम्ब्रिया। वही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ओवरी को, ओवरी से ओवम को कैप्चर करते हैं। ठीक है, फिम्ब्रिया इज़ अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द इन्फेंटिबुलम एंड द लार्जेस्ट फिब्रिया अटैच टू द ओवरी नोन एज ओवेरियन फिम्ब्रिया, जो कि ओवरी से ओवम को रिसीव करता है। क्लियर, इन्फेंटिबुलम क्या है, इन्फेंटिबुलम आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के सबसे पास, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया में आपकी, ठीक है ना, फिम्ब्रियास आपका ओवरी से अटैच होता है अगर अपन देखें तो। सेकेंड पार्ट अगर हम बात करें एम्प्यूला, एम्प्यूला वही पोर्शन होता है जिस पोर्शन पे आपका फर्टिलाइजेशन होना होता है, इसी पोर्शन पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द साइट, एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, वाइडेस्ट पार्ट होता है क्योंकि ये किसका, फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडेस्ट पार्ट यही होता है। ठीक है ना, हाँ, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड लॉन्गेस्ट इन 6 to 7 सेंटीमीटर। स्टमस की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ नैरो सेगमेंट यूट्रस के पास प्रेजेंट होता है ना। हाँ, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है आपका, ये यूट्रस के अंदर ही ओपन होता है एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल, यूट्रस की वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर, कौन से चार चीज़ें पढ़ी अपन ने अभी, इन्फेंटिबुलम, इन्फेंटिबुलम बताया मैंने आपको, एक क्या है, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एम्पिला थिन वॉल्ड मिडिल पोर्शन है, डायलेटेड पोर्शन है, वाइडेस्ट पार्ट है, और फर्टिलाइजेशन की एक्चुअल साइट है। इस्थमस एक नैरो सेगमेंट है। इंटरस्टिशियल ये क्या है, एक यूट्रस के वॉल के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक सिर्फ पोर्शन है। ठीक है ना, हाँ। फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम, क्योंकि इसकी तीन लेयर होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडल लेयर। आउटर लेयर विसरल पेरिटोनियम के पार्ट होती है, मिडल लेयर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर लेयर इसके किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की। अब देखते हैं इनर मिडल लेयर का क्या काम होता है। मिडल लेयर आपकी हार्मोनल एक्शंस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, और अगर अपन देखें तो मिडल लेयर के दो पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला में थिन होती है और इस्थमस के अंदर थिक होती है, इसीलिए इस्थमस थोड़ा सा आपका नैरोअर पोर्शन है, लेकिन एम्प्यूला आपका वाइडेस्ट और मोस्ट डायलेटेड पोर्शन है। इनर मस्कुलर की अगर हम बात करें, इट हैज सेल्स, पैक सेल्स दैट सिक्रेट म्यूकस। ठीक है ना, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में, तो फेलोपियन ट्यूब आपको ओवम को कलेक्ट करता है जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजेशन होता है यूट्राइन ट्यूब में। ठीक है ना, एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट होता है। दिस कंडीशन को अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, अगर अगर अपन डायरेक्टली एम्ब्रियो को इम्प्लांट करें फेलोपियन ट्यूब के अंदर। हाँ ठीक है ना, डायरेक्टली अगर अपन करें तो उसको अपन ट्यूबुल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, हाँ, तो फेलोपियन ट्यूब क्लियर है। ठीक है ना, फेलोपियन ट्यूब एक आपकी जो है कि यूट्रस के बोथ साइड प्रेजेंट होती है। फोर टाइप्स देखे आपने, इन्फेंटिलम, इन्फेंटिलम के अंदर फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया के बाद एम्पिला, एम्पिला के बाद आपका स्टमस, स्टमस के बाद इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर और फंक्शंस फेलोपियन ट्यूब के। क्लियर, ठीक है ना, ये आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया,
यूट्रस हो गया, और अब आपके दो चीज़ें बची हैं फीमेल के अंदर, एक आपका ब्रेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवरी। इसका अपन एक नया लेक्चर डालेंगे, इस लेक्चर में अभी अपन इतना ही करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, आप सब ने लेक्चर को देखा, और शायद अभी आपका एंडोक्राइन का लेक्चर भी आएगा। हाँ, अब आपका नेक्स्ट लेक्चर शायद मे बी यूरिनरी सिस्टम या फिर एंडोक्राइन का आएगा, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स जो है, आप तीन पार्ट जो है, ओवरी मेंस्ट्रुअल और ब्रेस्ट, इन तीनों का लेक्चर आज तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लियर।